बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में गठबंधन के लिए नई संभावनाएं तलाश रही है। खासकर समान विचारधारा वाले दलों पर मंथन चल रहा है। उनके साथ आने पर होने वाले नफा और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये वही दल होंगे जो ना तो एनडीए में है और ना ही इंडिया में। हालांकि वो दल कौन से हैं अभी इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बसपा का पिछले कई चुनावों में यूपी में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, खासकर विधानसभा चुनाव 2022 में। बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन मात्र एक सीट ही जीत पाई। वोटिंग प्रतिशत उनका 12.08% रहा। साल 2019 के चुनाव में बसपा सपा के साथ गठबंधन करते हुए चुनाव मैदान में उतरी। इस चुनाव में बसपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की और उसका वोटिंग प्रतिशत 19.04% था। बसपा पर पिछले लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। मायावती ने ऐलान कर रखा है कि इस बार वो ना तो एनडीए के साथ जाएंगे और ना ही इंडिया के साथ, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती हैं कि इन दोनों गठबंधन को टक्कर देने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। बसपा क्वार्टर वाली पार्टी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बसपा का बेस वोट बैंक माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में इसमें सेंधमारी होती देखी गई। मायावती ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 88 और हाल ही में हुए निकाय चुनाव में 17 मेयर में 11 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर इस वर्ग का साथ पाने का प्रयोग भी कर चुकी है, लेकिन इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसीलिए लोकसभा चुनाव से पहले नए सिरे से जातीय समीकरण के आधार पर छोटे दलों के साथ संभावनाओं को टटोला जा रहा है। सूत्रों का दावा तो ये भी है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़ने पर भी मंथन है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार भी मैदान में होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.